तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक गेमिंग मॉड्यूल देने वाला हूं जो आप गेमिंग के लिए यूज़ कर पाओगे और इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा अलग है, तो आप पूरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखो और सेम वैसे ही आप करना, ठीक है। तो कहीं स्किप मत करना, आप स्टेप बाय स्टेप इसका इंस्टॉलेशन देखना। और वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा इसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आपको आपकी मैजिक्स मैनेजर पर जाना है, उसके बाद आप जैसे मॉड्यूल वगैरह फ्लैश करते हो सेम वैसे ही आपको फ्लैश कर देना है। तो मैं अभी अपने फाइल को मैंने जहाँ पर रखा था वो पहले ढूंढ लेता हूँ और फ्लैश करके दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों मैं आपको दो वर्शन दे दूँगा, एक बेटा वर्शन है एक स्टेबल वर्शन। तो मैं अभी आपको स्टेबल वर्शन फ्लैश करके दिखाऊँगा, आपको जो अच्छा लगे वो यूज़ कर लेना, ठीक है। तो मैं सबसे पहले स्टेबल वर्शन को मैं फ्लैश कर लेता हूँ, इसके बाद टिक करके सिलेक्ट कर दो, आपका फ्लैश होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कैसे मैंने क्या किया, ठीक है। तो होने दो फ्लैश। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर आप हमें बोला गया है कि वॉल्यूम की को वॉल्यूम अप की को प्रेस करने के लिए, ठीक है, देख सकते हो आप नीचे प्रेस वॉल्यूम अप की। तो इसे आपको वॉल्यूम प्लस को आपको एक बार क्लिक करना है। तो ये हमारा वॉल्यूम की का टेस्ट कर रहा है, ठीक है। अभी डाउन की को प्रेस करने के लिए बोल रहा है, तो डाउन की को प्रेस करना है। उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ ऑप्शन बोल रहा है, था डू यू वांट एनेबल किंग ट्विक ये सब बोल रहा है। तो मैं आपको पहले कर लेता हूँ, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बोल दूँगा आपको। तो अगर आप वॉल्यूम प्लस को क्लिक करोगे तो ऑप्शन स्विच हो जाएगा, और माइनस को क्लिक करोगे तो ऑप्शन सेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने पहले मेरे ऑप्शन को मैंने सेट नहीं किया, उससे प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने वो वाला ऑप्शन सेट नहीं किया। अभी दूसरा वाला क्वेश्चन देख सकते हो, डू यू वांट टू ऑप्टिमाइज ऐप पैकेज। तो यहाँ पर बोला गया मैं अपना ऐप पैकेज को ऑप्टिमाइज करना चाहता हूँ कि नहीं। तो मैं अपना ऐप पैकेज को ऑप्टिमाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बिना क्या फ़ायदा है सब यूज़ करने का, ठीक है। तो मैं माइनस की को प्रेस करके ऑप्टिमाइज करने के लिए छोड़ देता हूँ। तो अभी इसमें बताया गया है कि आप अगर ऐप पैकेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए सेट करोगे तो आपको 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है, नीचे देख सकते हो आप, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है पाँच से दस मिनट तक आपका टाइम लग सकता है, तो हमें वेट करना है, ठीक है। तो मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर लेता हूँ। दोस्तों ये ऐप पैकेज ऑप्टिमाइज ही आपका लास्ट ऑप्शन है, तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा अपने आप रिबूट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको पहले से दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या किया और क्या कौन सा वाला आपको करना चाहिए, तो वो सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस की को टेस्ट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। आपको पहले वॉल्यूम प्लस और बाद में वॉल्यूम माइनस को प्रेस करना है, आपका की टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको देख सकते हो किंग एग्जीबिशन की KCAL प्रीसेट, इसका आप ऑप्शन को सेट करने के लिए बोलेगा। तो आप इसके नो कर देना, मतलब इस ऑप्शन को स्विच कर देना वॉल्यूम प्लस की को प्रेस करके, क्योंकि इससे क्या होगा कि इसका जो प्रीसेट आपको अगर आपने अप्लाई किया तो आपको कलर वगैरह में थोड़ा इंक्रीज मिल जाएगा। तो वो अगर करोगे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हो वार्निंग दिया गया है, आप चाहो तो पढ़ लेना इस वार्निंग को, ठीक है। आपको पहले वाले ऑप्शन को सेट नहीं करना, उसे स्विच करना है वॉल्यूम प्लस की को प्रेस करके। और आपने अगर सेट कर लिया है, अगर आप इसको अनइंस्टॉल मतलब ऑप्शन को डिसेबल करना चाहते हो, तो आपको किंग आपको इस मतलब मॉड्यूल को फिर से फ्लैश करके इसे नो कर इस ऑप्शन को नो करना होगा, आपका इस वाला जो प्रीसेट है वो डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे वाले में बताया गया है कि आपका ऐप पैकेज को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो कि नहीं। तो इसके अगर आपने इसको आपको स्विच नहीं करना, इसके आपको सेट करना है, क्योंकि इसके बिना आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अगर आपने ऐप पैकेज को ऑप्टिमाइज नहीं किया तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इसे आपको सेट करना है। तो अगर आपने इसे सेट किया तो आपका 5 से 10 मिनट तक आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको वेट करना होगा जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब कंप्लीट हो जाएगा आपका रिबूट का ऑप्शन आ जाएगा। जब ये रिबूट का ऑप्शन आ जाएगा आपको सिंपल रिबूट पर क्लिक कर देना है, आपका मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं अभी रिबूट पर क्लिक कर देता हूँ।
तो डिवाइस ऑन हो चुका है, तो मैं इसे अभी अनलॉक कर लेता हूँ लॉक को, और मैं आपको जाके सॉरी अभी थोड़ा नेट को कनेक्ट होने देते हैं। हाँ अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ कौन से एप्लीकेशन आपको मिलेगा। देख सकते हो ऊपर किंग लिखा है, वो वाला एप्लीकेशन मिल जाएगा आपको। इसे सिंपली आपको ऑन कर देना है, ओपन कर देना है। इसका स्प्लैश स्क्रीन कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हो। और आपको सुपर यूज़र का परमिशन दे देना है इस आपको। और यहाँ पर देख सो बैटरी बैलेंस सब कुछ, गेमिंग वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो बहुत से लोगों ने मुझे एक क्वेश्चन किया था कि एक्सट्रीम करना चाहिए या गेमिंग, जो लोग गेमिंग करते हैं। तो देखो अगर अपनी एक्सट्रीम को यूज़ करते हो तो आपका सिर्फ सीपीयू यूज़ होगा, ठीक है। और आप अगर गेमिंग पे यूज़ करते हो आपको सीपीयू प्लस जीपीयू यूज़ होगा। जिन लोगों के पास जीपीयू नहीं है तो वो लोग एक्सट्रीम पे यूज़ कर सकते हो, उसका गेमिंग पे यूज़ कर कोई फ़ायदा नहीं है। और जिन लोगों का जीपीयू है, एडियो का जीपीयू है, वो लोग आराम से गेमिंग वाले ऑप्शन के यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपने सिर्फ सीपीयू को यूज़ किया तो आपके हीट सीपीयू पे ज़्यादा, मतलब आपका सीपीयू पे ज़्यादा लोड पड़ेगा और आपका मोबाइल और भी ज़्यादा हीट होगा, ठीक है। और आपका गेम चिपकने लगेगा। और अगर आपने गेमिंग किया तो आपका जीपीयू प्लस सीपीयू दोनों यूज़ होगा, तो आपको एक्सट्रीम से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और एक और आपको सिर्फ इसको टैप करना है, आपको अप्लाई होने तक वेट करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको टैप करके क्लोज करके गेम वगैरह खेलना शुरू कर देते हैं, जब तक अप्लाई नहीं होता तब तक आपको वेट करना है। देख सकते हो गेमिंग प्रोफाइल अप्लाई हो रहा है, और अभी वेट करते हैं थोड़ा। देख सकते हो गेमिंग प्रोफाइल अप्लाई हो चुका है, तो अभी आप जाके गेम वगैरह खेल सकते हो। आपको जब जो चाहिए वो वाला आप अभी यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों इसका जो डिसएडवांटेज है वो है कि अगर आपका मोबाइल, मतलब आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट होता है तो तब आपको इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। देखो और यूज़ मत करो, मतलब आपकी मर्ज़ी, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर आप हीट को इग्नोर कर सकते हो तो। और जिन लोगों का रोम हीट होने के बाद बहुत ज़्यादा लैग करता है, मतलब गेम चिपकने लगता है हीट होने के बाद, वो लोग तो यूज़ ही मत करो इसे, क्योंकि इससे आपका हीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। और नुसंत्रा वालों का तो, और LTS वालों का तो उसको लेके मैं बाद में बात करूँगा, क्योंकि नुसंत्रा LTS का गेमिंग रिव्यू बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो नुसंत्रा में कुछ गेमिंग एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, वो सब लेके मैं अलग से वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो आप ठीक से इसको इंस्टॉल कर लेना, आपको एग्जीबिशन को नो करना है और आपका ऐप पैकेज ऑप्टिमाइज को यस करना है, ठीक है। आपका गेम अच्छे से चल जाएगा, मतलब NFS मैग्नेटर ये सब, इन सब से अच्छा मॉड्यूल है ये वाला। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, आपका हीटिंग थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बताना था, तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।